तो हम लोग इरडो का क्वेश्चन नंबर 1.127 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ बॉडी ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे है। द बॉडी एक्वायर्ड वेलोसिटी वी नॉट, फाइंड। इसका ए पार्ट कह रहा है, ए पार्ट कि एवरेज पावर बताइए फ्रिक्शन का इन होल टाइम इंटरवल, एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन कोफिशियंट के इज, फ्रिक्शन कोफिशियंट के इज 0.27 एंड मास इज 1 kg एंड स्पीड वी नॉट इज 1.5। ओके, तो पहला टारगेट एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले डिफिनेशन। एवरेज पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शन ने इस पे कितना वर्क किया और कितना समय लगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्डन के लिए हमें यहाँ का फ्रिक्शन का फोर्स चाहिए। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, दिस फोर्स इज नथिंग बट म्यू एम जी। अब म्यू का रोल के प्ले कर रहा है, तो के एम इन टू जी, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा के एम जी डिवाइड बाई मास, डिवाइड कर दिया, इट इज के जी। और दिस इज कॉन्स्टेंट। बी पार्ट में, बी पार्ट में उन्होंने फ्रिक्शन कोफिशियंट को वैरी करा दिया, जो कि बी पार्ट में उन्होंने दिया है कि अल्फा एक्स के बराबर है, लेकिन ए पार्ट में कांस्टेंट दिया है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। और स्पीड को जीरो होने में कितना समय लगेगा? फाइनल वेलोसिटी जीरो इक्वल्स टू इनिशियल वी नॉट माइनस ए टी के जी इंटू टी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई? इट इज वी नॉट अपॉन के जी। अच्छा, ये टाइम आ गया, इतने टाइम में ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इतने टाइम में ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है कि वर्डन कितना होगा। अच्छा, इस ब्लॉक पे जो भी फोर्स काम कर रहा है वो फ्रिक्शन ही तो वर्क कर रहा है। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ का एम जी क्या वर्क करेगा ना? वर्क कौन करेगा? फ्रिक्शन। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो गई। इसका मतलब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन का वर्डन क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। दिस इज द वर्डन बाई फ्रिक्शन, क्योंकि एन वर्क करेगा नहीं, एम जी वर्क करेगा नहीं। आ गया इतना। एक और बात, फ्रिक्शन का वर्डन निकालने के लिए इसी की जरूरत नहीं है, एक और भी काम कर सकते हो। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालो, वी का स्क्वायर बराबर यू के स्क्वायर प्लस 2s से डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। ओके, आपने वर्डन निकाल लिया। कोई पूछे एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगा? वर्क डन इज दिस वन माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एंड टाइम टेकन इज वी नॉट अपॉन के जी, वी नॉट अपॉन के जी एंड दिस इज आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आएगा वी नॉट का टर्म कैंसिल होगा, माइनस एम वी नॉट अपॉन के जी ऊपर जाएगा ना, तो के जी ऊपर जाएगा और ट्वाइस का टर्म नीचे आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। ओके, समझ। इसका बी पार्ट क्या रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये इनिशियली ओरिजिन पे है, जब ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है तो सरफेस ऐसा है कि जिसका फ्रिक्शन कोफिशियंट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। गुड, तो फ्रिक्शन कोफिशियंट एक्स कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है। अब पूछ क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, पी मैक्स पूछ रहा कितना होगा। चलो एक कल्पना करते हैं, पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो तुम मुझे ये बताओ, जब मोशन शुरू हुआ था उसमें वेलोसिटी कितनी है? जीरो। गुड, पावर जीरो। और जब फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आएगा उससे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, पावर फिर जीरो। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक का पावर शुरू में जीरो और बाद में जीरो है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम रहा होगा, तभी तो पावर बढ़ा मैक्सिमम और फिर घट के जीरो। तो मैक्सिमम निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो कैलकुलेशन करता हूं। इसकी बी पार्ट के लिए मैंने क्या किया? ओके, मान लिया कि ये ब्लॉक ओरिजिन पे है, ठीक है, और यहां पावर आपने जीरो प्रूफ किया, यहां भी पावर जीरो प्रूफ किया, जहां पे फाइनली रेस्ट में आ रहा है, एक्स फाइनल है, एक्स नॉट मान लिया, तो बीच में कहीं होगा, मान लो किसी टाइम पे एक्स पे, मान लो किसी टाइम पे एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पे है, तो यहां पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी होगी, मान लिया भी होगी, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी, म्यू क्या है? अल्फा एक्स,
अल्फा एक्स म्यू एम इंटू जी आ गया। अब कोई पूछे पावर कितना होगा, तो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा माइनस अल्फा एक्स एम जी इंटू भी आ गया पावर। तो पावर एक्स का फंक्शन बन गया है लेकिन वेलोसिटी है ना, इस भी एक्स का फंक्शन होगा, तो हमको क्या करना होगा, कहीं से इस भी को इस एक्स के टर्म में निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब भी को एक्स के टर्म में निकालना बड़ा इजी है, देखो कैसे। इस पार्टिकल पे जो फोर्स काम कर रहा है, फोर्स वो तो यही है, तो फोर्स और क्या ले सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बोलो क्या आ गई, मास से मास कटेगा, ये बनेगा अल्फा जी इंटू एक्स बनेगा, और माइनस साइन में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन पीछे कर रहा है ना, पीछे कर वेलोसिटी आगे क्यों रहा है, तो माइनस। इस ए को मैं क्या ले सकता हूं, चाहूं तो भी डीवी बाई डीएक्स, तो लिखूंगा माइनस अल्फा जी एक्स इंटू डीएक्स। नाउ डी हटाने के लिए एक इंटरग्रेशन करें, एक्स की वैल्यू जीरो थी तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, पार्टिकल जब ओरिजिन पे था तो वेलोसिटी जीरो थी एक्स जीरो पे, और जब यही एक्स हो गया तो मान लिया वेलोसिटी भी हो गया, कर दो इंटरग्रेट, इट इज बी स्क्वायर बाई टू, और यहां से क्या आएगा माइनस अल्फा जी एक्स का स्क्वायर बाई टू से टू कटेगा, बन गया इतना। अच्छा एक और चीज, ये गलत हो रहा है इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, यहां पे था पार्टिकल की वेलोसिटी वी नॉट थी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट, तभी तो स्क्वायर था, तो माइनस कैसे पॉसिबल था, करोगे इंटीग्रेट तो बनेगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, और टू का टर्म नीचे आएगा, मैं लिमिट प्लेस कर लिया हूं, फिर यहां पे तो यहां भी टू का टर्म नीचे आएगा, टू से टू कट जाएगा, तो बनेगा माइनस अल्फा जी इंटू एक्स, तो यहां से वी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स आ गया इतना, उठा के यहां प्लेस कर दो यहां पे, तो बन गया पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स एम जी इंटू रूट ओवर वी नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स, मैंने कहा ठीक है रहने दो, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो, इसके एक फायदा आएगा देखो, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स, इसको इसका साथ अंदर भेज दो, इसके साथ जब अंदर भेजोगे तो ये आएगा, ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा अल्फा जी एक्स क्यू। अब तुम देखना पी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो अच्छा पी द पावर, पावर अगर मैक्सिमाइज होगा तो पी स्क्वायर भी तो मैक्सिमाइज होगा, कोई क्या है कि y को मैक्सिमम करना, इसका मतलब आप वाई स्क्वायर को मैक्सिमम कर रहे हो, y क्यू को मैक्सिमम कर रहे हो, वाई फोर को मैक्सिमम कर रहे हो, तो अगर कोई कह रहा है पी स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है तो p x का फंक्शन है, x के जगह पे जीरो प्रेस करके, जीरो प्रेस करके देखो ये जीरो आ जाएगा, आ ही रहा था जीरो, तो p x का फंक्शन है, p स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमाइज करना, और ये x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जीरो, मतलब अगर p को मैक्सिमाइज करना है, p को मैक्सिमाइज करना है, दिस मींस आपको p स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, दिस मींस आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो आएगा dp स्क्वायर अपॉन dx इट शुड बी जीरो। अब मैं यहां पे आ गया, इसको डिफरेंशिएट करो, इससे क्या आएगा 2x v नॉट स्क्वायर, x रिस्पेक्ट में कर रहा हूं 2x v नॉट स्क्वायर माइनस 3 अल्फा g x स्क्वायर, 3 अल्फा जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स एक्स कट जाएगा, यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा जी, इसका मतलब ये वो पोजीशन है जहां पे ये पावर मैक्सिमाइज होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये जो एक्स आया है उसी कुटा पे यहां पर रख दो, जैसे रखोगे आंसर आएगा, यहां रखो चाहे यहां रखो बात एक ही है, तो कैलकुलेशन कर लेता हूं तुम्हारे सामने, इरेज कर दो पहले इसको, चलो देखो यही निकाल लो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज व्हाट दिस इज, यही सीखो सीधे पी लिखो पी स्क्वायर का बात तो किया, तो पी बराबर माइनस अल्फा एम जी, और एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा टू वी नॉट स्क्वायर अपन थ्री अल्फा जी एंड रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर
माइनस अल्फा जी और एक्स की जगह पे फिर रिप्लेस कर दो, तो 2v0 स्क्वायर अपन 3 अल्फा जी, तो अल्फा जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जी कटेगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, ये क्या आ गया 2/3 m v0 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 3 1, ये v0 भी बाहर आएगा और √3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो गया 2/3√3 m v0 क्यू, एंड दिस इज आंसर, एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर, और किस एक्स पे आएगा, इस एक्स पे आएगा, कोई डाउट है? सर समझ में आ गया।